दोस्तों, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्री में सीखकर हाई पेइंग जॉब पाना है तो ये वीडियो आपका लाखों रुपए बचा सकता है, क्योंकि आज मैं आपको टॉप 5 फ्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज बताने वाला हूँ, जिनमें से दो कोर्सेज खुद गूगल के एक्सपर्ट्स ने बनाया है। चाहे आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हो। देखो, ChatGPT 3, GPT 4, हजारों एडवांस AI टूल्स के आने के बाद लोग डर गए हैं कि क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स AI प्रूफ है, क्या ये करियर सिक्योर है। तो अगर आप कोर्सेरा का ये ब्लॉग पढ़ोगे, टॉप 7 हाई पेइंग करियर्स ऑफ 2023, तो आपको सेकंड नंबर पर ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दिख जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करियर AI प्रूफ है या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पूरा अंत तक देखो। तो अब चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल हमारे डे टू डे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है सॉफ्टवेयर्स। कम्युनिकेशन से एंटरटेनमेंट तक और एजुकेशन से हेल्थ सेक्टर तक, हर जगह सॉफ्टवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट एंड मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है यूजर्स के जरूरत को समझते हुए सॉफ्टवेयर बनाना, उसे मेंटेन एंड डीबग करने के लिए कोड्स लिखना एंड टाइम टू टाइम उसे अपग्रेड करते रहना। इसलिए कंपनीज के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें हैंडसम सैलरी भी मिलता है। हालांकि इनका पे स्केल डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज देखे तो एंट्री लेवल पे इनको 3-4 लाख और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ 5-6 लाख पर एनम तक सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसने US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जनरेट किए गए बेस्ट जॉब्स के लिस्ट पे टॉप 10 में अपना पोजीशन बरकरार रखा है, और 2021 से 2031 के बीच इस प्रोफेशन में 25% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी प्रेडिक्ट किया गया है। और तो और, अगर आप इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो सिर्फ इंडिया पे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए 55,000 प्लस जॉब ओपनिंग्स है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि डिमांड इस फील्ड में बहुत है। इस मौके का सही लाभ उठाओगे तो आप भी एक हाई पेइंग ड्रीम करियर सिक्योर कर सकते हो। और जहां कंपनीज मास फायरिंग कर रही है, AI लाखों लोगों के जॉब्स खा रहा है, वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके लिए सिक्योर करियर बन सकता है, क्योंकि AI बेसिक कोड ऑप्टिमाइज, टेस्टिंग, डिबगिंग जैसे काम करके डेवलपर्स को और भी कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए फ्री अप कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में कम्युनिकेशन, टीमवर्क जैसे ह्यूमन स्किल्स की भी जरूरत होती है, जिस वजह से इस पोजीशन के लिए AI नहीं, एक ह्यूमन माइंड की जरूरत है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि AI का क्या इंपैक्ट होने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, तो डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल पर कुछ आर्टिकल्स का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करो। अब उन ऑल 5 बेस्ट फ्री कोर्सेज को एक्सप्लोर करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या है। तो देखो, मोस्टली लोग कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री परस्यू करके इस फील्ड में जाते हैं, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स 12th पास करके ऑनलाइन अच्छे कोर्सेज या ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने स्किल्स को एनहांस करके भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। इवन एक रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि वर्ल्ड के मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फुल्ली या प्रैक्टिकली सेल्फ ट्रेंड होते हैं, मतलब डिग्री होने के बाद भी वो खुद से ही मेहनत करके स्किल्स को एक्सप्लोर करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कभी नए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करते हैं, तो कभी इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के फंक्शनैलिटी इंप्रूव करने के लिए सिस्टम्स डेवलप करते हैं। इसलिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स के फंक्शनैलिटी इंप्रूव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन दोनों में से कोई एक टाइप चूज कर सकते हो। यहाँ एक और बात बता दूं, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत लोग सेम समझते हैं, लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड होने के बावजूद डिफरेंट जॉब रोल्स है। जानकारी के लिए बता दूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का डीप नॉलेज होता है, वही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के मेन फोकस एरिया होता है प्रोग्रामिंग, टूल, फ्रेमवर्क्स एक्सेट्रा। हालांकि ये टर्म्स कई जगह इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, लेकिन ओरिजिनली इन दोनों के रोल्स थोड़े अलग होते हैं। नाउ स्किल्स की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रिप्टिंग सीखना है, यानी कि कोडिंग सीखना है, क्योंकि इसी से आप सॉफ्टवेयर्स को डेवलप, अपग्रेड एंड मेंटेन करोगे। वैसे तो कई सारे कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्हें आप सीख सकते हो, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आप पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, पावरसेल, C#, एक्सेट्रा कोडिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो। नेक्स्ट, आपको मैसिव अमाउंट में कोड को सही स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करने के लिए और स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए DSA सीखना है। इसके अलावा आपको टेस्टिंग बेसिक, सोर्स कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी नॉलेज गेन करना है। ऑल्सो आपको लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन जैसे सॉफ्ट स्किल्स को भी पॉलिश करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फील्ड बहुत वास्ट है। एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की ही नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। चलो अब जानते हैं इसे सीखे कहां से। तो पहला कोर्स है गूगल IT ऑटोमेशन विद पाइथन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी कि इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, जहां आपको एंट्री लेवल जॉब पाने लायक जॉब ओरिएंटेड स्किल्स सिखाए जाते हैं। यहां आपको वर्जन कंट्रोल, ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग, बेसिक पाइथन
डेटा स्ट्रक्चर्स, ओओपी, एक्सेट्रा स्किल्स कोर्सेरा लैब्स पे प्रैक्टिकली सिखाए जाएंगे। ये एक 6 मंथ का कोर्स है जहां आपको हर वीक 10 आवर्स स्टडी करना है। ये एक बिगिनर लेवल कोर्स है जिसे एनरोल करने के लिए कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए। अब इस कोर्स को फ्री में पाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, आप ऑडिट के इस ऑप्शन के थ्रू इसे फ्री में पा सकते हो। जस्ट कोर्सेरा पर लॉगिन हो जाओ, एनरोल पर क्लिक करो और फिर इसके अंदर ऑल इंडिविजुअल कोर्सेज आ जाएंगे। जो भी पहला सीखना चाहते हो उस पर सिलेक्ट करो और यहाँ छोटा सा ऑडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप फुल कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दूसरा और मेरा फेवरेट तरीका वो है फाइनेंशियल एड ऑप्शन। ये एक तरह का स्कॉलरशिप है जो कोर्सेरा ऑलमोस्ट हर कोर्स पर देता है। देखो यहाँ भी है, वैसे तो ये कोर्स का प्राइस 3000 के अप्रोक्सीमेट है, बट आप इस फाइनेंशियल एड ऑप्शन की हेल्प से फ्री में पा सकते हो, इंक्लूडिंग फ्री सर्टिफिकेट। जस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करो, कोर्स सिलेक्ट करो, फिर ये फॉर्म फिल करो जेन्युइन रियलिस्टिक पर्सन के साथ। फिर इसके बाद 15 डेज वेट करो, 80% चांस है ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको ये कोर्स फ्री में मिल जाएगा। कोर्सेरा का ये रिकॉर्ड है अब तक, हर 100 एप्लीकेशंस में से 80% अप्रूव्ड कर ही देता है। ऑलराइट, सो हमारा दूसरा कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड बियॉन्ड स्पेशलाइजेशन। ये कोर्स यूएस सैन डिएगो की तरफ से ऑफर किया जा रहा है और ये कोर्स कोर्सेरा पे अवेलेबल है। यहां आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओओपी, जावा प्रोग्रामिंग, बाइनरी ट्री जैसे स्किल्स सिखाए जाएंगे। और अगर आप हर हफ्ते 5 घंटा स्टडी करते हो तो इस कोर्स को 7 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। ये कोर्स भी आप सेम उसी तरीके से फ्री में पा सकते हो, ऑडिट एंड फाइनेंशियल एड के थ्रू। नेक्स्ट है मास्टरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन आर स्पेशलाइजेशन। यहाँ आपको आर प्रोग्रामिंग, ओओपी, डेटा विजुलाइजेशन, रेगुलर एक्सपीरियंस जैसे स्किल्स सिखाए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, इसे सीखने के लिए कोई प्री रिक्वेस्ट भी नहीं है। कोर्स का ड्यूरेशन है 6 मंथ, जहां आपको पर वीक 4 आवर्स स्टडी करना है। दोस्तों ये 3 कोर्सेस कोर्सेरा पे अवेलेबल है और ये पेड कोर्सेस है, लेकिन आप कोर्सेस को ऑडिट करके या फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करके कोर्स को फ्री एक्सेस पा सकते हो। ओके दोस्तों, अगला कोर्स है यूडासिटी का, इंट्रो टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये एक इंटरमीडिएट लेवल कोर्स है जिसे गूगल के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। देखो इस कोर्स के कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आपका स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए एंड आपको इंटरमीडिएट लेवल पाइथन एंड एल्जेब्रा आना चाहिए। देखो इस कोर्स में आपको इंट्रोडक्शन, मैपिंग, एनहांसिंग, ट्रीज, ग्राफ्स एक्सेट्रा टॉपिक्स के बारे में सिखाए जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां कोर्स है यूडासिटी की तरफ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये भी एक इंटरमीडिएट लेवल कोर्स है जिसे जॉर्जिया टेक के साथ कोलैबोरेट करके डिजाइन किया गया है। यहाँ आपको इंट्रोडक्शन, लाइफ साइकिल मॉडल्स, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जैसे टॉपिक्स सिखाए जाएंगे। इसको एनरोल करने के भी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, वो है कि आपके पास एंड्रॉइड डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। इससे आपको कोर्स कंटेंट समझने में आसानी होगी। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, जहां आप अपने टाइम के हिसाब से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट में बताओ आप कहां से हो और अगले वीडियो में कौन से स्किल के फ्री कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।